वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रीगल। आज का ये वीडियो है कंपटीशन सब्जेक्ट सीरीज़ का अगला वीडियो। अभी तक लेक्चर वन के अंदर हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर कंपटीशन लॉ कैसे इवॉल्व हुई। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल इवोल्यूशन कैसे हुआ कंपटीशन लॉ का। ये पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें से कुछ एक्ट्स ऐसे जैसे कि क्लेटन एक्ट या शर्मन एक्ट, जिनके बेसिस पर इंडिया के लॉज डिज़ाइन किए गए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि इनसे एक मोटिवेशन लिया गया था इंडिया के लॉज के लिए। इस वजह से इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इन कॉम्पिटिशन लॉ की जो रूट है वो कहाँ से देखी जाती है, वो रोमन एम्पायर से देखी जाती है। 50 BC रोमन एम्पायर के दौरान क्या हुआ कि किंग्स ने ये ऑर्डर दिया कि अगर मार्केट के अंदर किसी बड़े प्लेयर ने किसी छोटे प्लेयर को या फिर किसी भी प्लेयर को एंट्री करने से रोका या कोई भी ऐसा काम किया जिस वजह से वो इंसान मार्केट के अंदर, कोई भी एक इंसान मार्केट के अंदर एंट्री ना कर पाए, तो उस केस के अंदर बहुत हेफ्टी पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो बेसिकली कंपटीशन लॉ का जो पहला एविडेंस है वो रोमन एम्पायर में देखा जाता है। दो ये कोडिफाइड नहीं थी, इसको कोडिफाई नहीं किया गया था क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम पे किंग्स होते थे और किंग ने ऑर्डर दे दिया तो वो चीज़ मानी जाती थी। तो जो पहला कोडिफिकेशन का सोर्स था वो शर्मन एंटिटस्ट एक्ट से आया था। पर ये पढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि एडम स्मिथ ने 1776 में ये बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के अंदर उन्होंने बेसिकली डिस्कस किया था कि कैसे जो एक कंपटीशन है, जो अनफेयर कंपटीशन अगर किसी सोसाइटी में हो रहा है तो वो कैसे एक इकनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकनॉमी भी माने जाते हैं। इस वजह से उन्होंने जो बुक लिखी उसके अंदर उन्होंने यही डिस्कस किया कि कैसे एक अनफेयर कंपटीशन जो है वो क्या कॉज करता है, वो इकनॉमी को कैसे इफेक्ट कर सकता है। तो इसके बाद 1776 से 1890 तक कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं थी थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो 1890 में पहला एक्ट आया US में, शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि मॉडर्न कंपटीशन लॉ की जो रूट्स हैं वो कहाँ से आई हैं, तो हम कहते हैं US से। और अगर कोई हमसे पूछेगा कि एंशियंट रूट्स कहाँ से हैं, तो हम बोलेंगे रोमन एम्पायर से। तो US में ऐसी क्या सिचुएशन आई जिसकी वजह से शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट लाना पड़ा? इस एक्ट को लाने से पहले क्या हुआ वहाँ पे US के अंदर कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने या फिर छोटे छोटे प्लेयर्स ने एक आपस में एक मार्केट के अंदर एक ट्रस्ट क्रिएट कर लिया। बेसिकली अगर एक मार्केट में 10 प्लेयर्स हैं, उन 10 में से 6 प्लेयर्स आपस में एक ट्रस्ट क्रिएट कर ले कि भाई अपन तो एक चीज़ इस प्राइस पर बेचेंगे, बाकी 4 लोगों का नुकसान होना पक्का है इस टाइप के मार्केट के अंदर। कि अगर 6 लोग बोले कि हम इस प्राइस पर और कम प्राइस पर बेचेंगे तो बाकी के जो 4 लोग हैं उन लोगों को उस मार्केट के अंदर नुकसान होगा ही होगा। तो ऐसा होने लगा US के अंदर कि बड़े बड़े लोग आपस में ट्रस्ट बनाकर क्या कर रहे थे कि दूसरे प्लेयर्स को मार्केट से बाहर भेज रहे थे। तो इसी वजह से शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट, एंटी ट्रस्ट टर्म को इस एक्ट के अंदर एम्बॉडी किया गया, क्योंकि US के अंदर क्या हो रहा था, लोग ट्रस्ट बना रहे थे और ट्रस्ट के एक तरीके से डिस्गाइज के फॉर्म में वो क्या करने लगे, वो एक तरीके से मोनोपोली बनाने लगे। इस एक्ट के अंदर मोनोपोली क्यों नहीं लिखा गया अगर आप मुझसे पूछें, तो इसका आंसर यही होगा कि क्योंकि US के अंदर मोनोपोली का इशू नहीं आया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रस्ट क्रिएट किए। तो टेक्निकली हमें ऊपर से देखने में ऑन द फेस ऑफ इट क्या दिखता है कि देयर आर मैनी प्लेयर्स और उनके बीच में आपस में ट्रस्ट है, मोनोपोली का सिचुएशन नहीं है। तो इस वजह से इस एक्ट के अंदर मोनोपोली लिखना बहुत ज़्यादा यूजलेस हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे एंटी ट्रस्ट लिखा गया। ये US ने सोचा कि ये जो ट्रस्ट का सिचुएशन हमारे मार्केट्स में बन रहा है उसी को ख़त्म किया जाए। तो 1890 के अंदर शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट बना दिया गया। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई, जो प्रॉब्लम की वजह से हमें क्लेटन एक्ट इनैक्ट करना पड़ा, इसमें प्रॉब्लम ये आई शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट के अंदर कि इस एक्ट के अंदर उन्होंने कम्प्लीटली जो सारे के सारे ट्रस्ट हो रहे थे, ट्रस्ट उन्होंने वो चाहते थे कि वो ट्रस्ट बैन कर दें। तो ट्रस्ट बैन करने के जगह पे, नॉट जगह पे बट ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट बैन जब वो कर रहे थे तो उसके साथ साथ क्या हुआ, इस एक्ट से क्या रिजल्ट निकला, ना चाहते हुए भी इस एक्ट से ये रिजल्ट निकला कि हर टाइप के मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली
बैन हो गए कि अगर दो ट्रेडर्स आपस में कोई लीगल या फिर कॉम्पिटिटिव मर्जर भी कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट के अंदर बैन हो गया। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नया अमेंडमेंट लाया गया, क्लेटन एक्ट 1914 के अंदर क्लेटन एक्ट यूएस के अंदर लाया गया। तो क्लेटन एक्ट ने बेसिकली क्या किया, क्लेटन एक्ट ने ये किया कि उसने अपने अंदर अलाउ कर दिया लीगल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को, कि अगर कोई भी मर्जर, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इस टाइप के मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अलाउ नहीं किए जाएंगे जिन मर्जर या एक्विजिशन से क्या हो रहा है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस का प्रमोशन हो रहा है, ऐसे टाइप के मर्जर्स को हम बैन कर देंगे, बाकी नॉर्मल मर्जर्स आर अलाउड। तो क्लेटन एक्ट ने बेसिकली इस टाइप के मर्जर सेक्शन 7 के अंदर अलाउ कर दिया। तो अब और इसी के दौरान जिस जिस ईयर में क्लेटन एक्ट आया था उसी ईयर में 1914 में फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट भी यूएस के पार्लियामेंट ने पास किया। इस एक्ट ये एक्ट बेसिकली एक जनरल एक्ट था, इसमें जनरली सारी के सारी अनफेयर ट्रेड एक्टिविटीज़ को बैन किया गया था। और इस एक्ट के अंदर फेडरल ट्रेड कमीशन भी बनाया गया था। इस कमीशन का बेसिकली काम यह था कि अगर क्लेटन एक्ट या शर्मन एक्ट के अंदर अगर कोई भी कंप्लेन आती है या फिर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या फिर इसी फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट के अंदर भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये कमीशन उस एक्ट को सॉरी उस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट कर सकता है। तो उसके बाद 1936 के अंदर रॉबिन्सन पैटमैन एक्ट आया था। ये बेसिकली एक अमेंडमेंट था क्लेटन एक्ट में, ये दोनों के दोनों अमेंडमेंट्स थे क्लेटन एक्ट के अंदर। रॉबिन्सन पैटमैन एक्ट के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या किया, ये बहुत ज़्यादा रिटेलर स्पेसिफिक एक्ट था। इसके अंदर उन्होंने बोला, इन सारे एक्ट्स के अंदर एक चीज़ कॉमन थी जो कि मैंने डिस्कस नहीं की, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इन सब एक्ट्स के अंदर, शर्मन एक्ट के अंदर भी, क्लेटन एक्ट के अंदर भी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी डिस्कशंस हुए और उनके प्रोविजंस इनके अंदर डाले गए। अब रॉबिन्सन पैटमैन एक्ट के अंदर क्या किया गया, यूएस के पार्लियामेंट ने कहा कि हम रिटेलर्स का ध्यान रखेंगे भाई। अब जो होलसेलर्स हैं, होलसेलर कोई भी एक होलसेलर दो अलग अलग रिटेलर्स को अलग अलग प्राइस पर चीज़ नहीं बेच सकता है कोई भी। तो इससे क्या सिचुएशन निकल के आएगी कि मान लेते हैं कि मैं एक होलसेलर हूँ और मुझसे कोई एक सेलर कोई एक चीज़ खरीद रहा है और कोई एक दूसरा सेलर 10,000 चीज़ें खरीद रहा है। तो ये एक नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस होती है, रेपो बनाने के लिए कह सकते हैं या फिर प्रॉफिट के लिए कह सकते हैं, कि जब हम 10,000 चीज़ें बेच रहे हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा जो अमाउंट है वो कम करते हैं, और जहाँ पे हम एक चीज़ बेच रहे हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स जो प्राइस है वो हमेशा ज़्यादा होता है, तभी होलसेल और रिटेल के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो रॉबिन्सन पैटमैन एक्ट के अंदर जो ये चीज़ बोली गई कि चाहे रिटेलर एक रिटेलर जो है वो दो सॉरी जो एक होलसेलर है वो दो रिटेलर अलग अलग रिटेलर्स को अलग अलग प्राइस पे सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, तो ये तो गुड फेथ में किया गया था ताकि रिटेलर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। पर इससे हुआ क्या, इससे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। तो इस चीज़ को बाद में 1941 के अंदर सॉल्व कर दिया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट। उसके बाद 1950 के अंदर जो ये एक्ट था, सेलर डिफॉर्मर एक्ट, इस एक्ट के अंदर बेसिकली ये डिस्कस किया गया था कि जो हमने इस एक्ट के अंदर जो बात की थी कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अलाउ कर दिए गए थे, इस एक्ट के अंदर केवल स्टॉक एक्विजिशंस की बात हुई थी कि अगर कोई एक ट्रेडर किसी दूसरे ट्रेडर के स्टॉक्स को एक्वायर करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इस एक्ट के अंदर बेसिकली उसका स्कोप बढ़ाकर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों उसका स्कोप बढ़ा दिया गया था, कि स्टॉक एक्विजिशन तो अलाउड पहले से थी ही इफ़ कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए की जा रही है, तो इस एक्ट के अंदर एसेट एक्विजिशंस भी अलाउ कर दिए गए थे। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर मैंने कुछ मिस आउट किया हो या फिर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो चीज़ भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं इसी तरीके से लाइव लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ अपने चैनल पर कुछ टाइम में, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।